अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम मंगल के तीसरे भाव में होने से क्या क्या प्रभाव आते हैं, दिखते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका अभिनंदन और धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया, वहां अपने कमेंट्स और सजेशंस लिखे। और यदि आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और याद से बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। जब हम मंगल की बात करते हैं, तृतीय भाव की बात करते हैं और उसमें मंगल की बात करते हैं, तो जनरली हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, कारक को भावनाशक। हाँ, एक लेवल पर आप सभी सही हैं, क्योंकि तृतीय भाव पर मंगल, तृतीय भाव में अगर मंगल हो तो कारक को भावनाशाय होता है। ये सारे जो क्लासिक्स हैं उनमें भी हमें दिखाई देते हैं, मिलता है ये बात, मिलती है ये बात। लेकिन आपको ये बताएं कि जीसी शर्मा जी, जिन्होंने बीपीएचएस का संस्कृत से इंग्लिश में अनुवादन किया है, उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है कि कारक को भावनाशाय तो होता है, लेकिन इसका इफेक्ट मैक्सिमम आपको वहां दिखेगा जब मंगल अपनी ही राशि में तृतीय भाव में होता है, यानी कि कुंभ लग्न वालों के लिए और कन्या लग्न वालों के लिए ये आपको ज्यादा स्ट्रॉन्गली नजर आएगा। इनफैक्ट वहां आपको बहुत अच्छे से कारको भाव नाशय मंगल का नजर आएगा। बाकी सब लोगों ने ये भी कहा है, क्लासिक्स में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि यदि आप शारावाली में देखें तो वो उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनकी जो मनोस्थिति होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है, उनको कोई भी परास्त नहीं कर पाता, वो बहुत साहसी होते हैं और हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। कल दीपिका का भी यही मत है और उन्होंने भी यही लिखा है कि ऐसे लोगों की जो क्वालिटीज होती हैं वो बहुत, उनमें बहुत अच्छे सारे गुण होते हैं और जीवन में वो बहुत ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी एक मानसिकता ये होती है कि हम कभी भी किसी के सामने हार नहीं मानेंगे, हम हमेशा हर परिस्थिति से जूझते जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता ही है, देर सवेर से करें लेकिन करता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनके पास धन की भी कमी नहीं होती है। ये सारी जो बातें हैं ये देश काल पात्र को नजर रखते हुए भी हमें पढ़नी चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट से भी इनको बहुत नाम सम्मान प्राप्त होता है और ये बहुत रिलीजियस, जिसे हम कहेंगे या हम कहें कि ये अपने धर्म के प्रति इनकी आसक्ति भी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। इनमें एक बुद्धिमता भी आपको दिखाई देगी और ये लोग जो हैं वो कभी भी किसी के सामने भी डरेंगे नहीं या झुकेंगे नहीं। गर्ग ऋषि ने ये भी बताया है कि तृतीय भाव में बैठा मंगल जो है वो पंचम भाव को भी इफेक्ट करता है, अर्थात आपके संतति पर भी मंगल का अधिकारी हो जाता है या उसको भी वो इफेक्ट करने की क्षमता रखता है। गर्ग ऋषि ने यह भी बोला है कि यदि स्त्री जातक में मंगल तृतीय भाव में बैठा हो तो ऐसी स्त्री जो होती है वो भी निडर होती है, उसको कभी किसी का भय नहीं लगता, अपने अम्बिशंस में कहें या अपने गोल्स में वो हमेशा फोकस्ड रहते हैं और अपने गोल्स को, अपने जो भी उनका गंतव्य है उसको वो प्राप्त करके ही रहते हैं। साथ ही ऐसे लोग जो हैं वो अपने भाई बहनों से या हम कहें कि परिवार वालों से बहुत लाड़ प्यार से, उनको बहुत अपने परिवार वालों से लाड़ प्यार भी मिलता है और वो उनके लिए हमेशा काम करने के लिए रेडी भी रहते हैं। ये भी हम देखेंगे एक चार्ट में। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो बात, ये सारी जो बातें हैं ये ऑब्वियसली राशि नक्षत्र के अनुसार बदलती हैं, तो हम किस तरह से इसको अलग अलग राशियों में देख सकते हैं। यदि हम मेष राशि लें, यदि मेष राशि के लिए ये जो मंगल है तृतीय भाव में होना, यानी अर्थात ये जेमिनी में होना है, तो यदि मंगल तृतीय भाव में मिथुन राशि में विद्यमान हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बोलने में
बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन वो एजेंसीज बहुत अच्छी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसके कम्युनिकेशन के कारण वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कॉन्फिडेंटली बात करता है, और इसके लिए लोग उसको अपना एजेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग पीआर एजेंसीज बहुत अच्छे से चला सकते हैं। साथ ही ऐसे लोग लॉयर्स बहुत अच्छे होते हैं, और इनमें ऑब्वियसली बुद्धि की तो कोई कमी होती नहीं है, जिसके कारण वो डिबेट भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर यदि हम टॉरस लग्न के लिए देखें, तो वृषभ लग्न वालों के लिए मंगल तृतीय भाव में कैंसर साइन होता है। ऐसे लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह मंगल नीच का है, लेकिन ये अपने संकल्पों में बहुत दृढ़ होते हैं, और जो इन्होंने सोच लिया वो कर कर मानते हैं। और साथ ही इनका एक जो स्पिरिट है कि मैं समय के साथ बदलूंगा, लेकिन अपने जो गोल्स हैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये हमेशा उनके साथ रहता है। फिर यदि हम मिथुन लगने वालों की बात करें, तो मंगल जो है वो तृतीय भाव में सिंह राशि में विद्यमान होता है। ऐसे लोग जो है वो हाई प्रोफाइल लोगों के लिए पीआर कर सकते हैं, और साथ ही वो किसी भी हाई प्रोफाइल अच्छे कंपनी में पीआर डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम कर सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे सेल्समैन भी होते हैं, तो ये दूसरों को बहुत अच्छे से काम सिखा सकते हैं। इनका क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए मंगल तृतीय भाव में कन्या राशि में होता है। तो ऐसा जो मंगल है वो व्यक्ति को सोचने की क्षमता देता है, ऐसा मंगल जो है आपको बहुत अच्छा लॉयर बनाता है, ऐसा मंगल आपको सही और गलत की पहचान करना बहुत अच्छे से देता है। यदि यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह बैठा हो मंगल के साथ, या हम कहें कि किसी भी क्रूर ग्रह की इस पर दृष्टि है, तो वो व्यक्ति जो है वो क्रुकेड लॉयर बन सकता है। यही यदि आपके साथ उस मंगल के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो वो व्यक्ति जो है वो सही मायने में दूसरों के लिए सर्विस करेगा, और उसका मंगल भी वहां पर दूसरों के लिए काम करने में सही रहेगा। ऐसे व्यक्ति जो है वो रिसाइकलिंग आदि डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं, वहां अच्छा काम कर सकते हैं। यदि हम सिंह लग्न वालों के लिए देखें, तो ये मंगल जो है वो हम कहेंगे कि तुला राशि में तृतीय भाव में विद्यमान है, और ऐसे लोग कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी बात पर अपनी राय नहीं रखते, ये दोनों तरफ की बातों को सोचकर फिर राय रखते हैं। तो वापस एक लॉयर की भूमिका तो ये अच्छा निभा ही सकते हैं, और ये घंटों तक अच्छे से डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि इनको प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ की बातें मालूम होती हैं। और साथ ही ये डरते किसी से नहीं है, लेकिन किसी को आघात भी पहुंचाना इनके कम से कम ये सोचते नहीं है कि मैं किसी को आघात पहुंचाऊं। अब हम कन्या लग्न वालों पर बात करते हैं, तो कन्या लग्न वालों के लिए, और ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि कन्या लग्न और कुंभ लग्न वालों के लिए कारको भावनाशाय बहुत स्ट्रॉन्गली अप्लाई करता है। तो हो सकता है कि ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन नहीं हो, और यदि हो भी तो उनके साथ न पटे, प्रॉब्लम्स हो उनके साथ, खासकर जब यहाँ पर ट्रांजिट में कोई मैलिफिक इफेक्ट हो, या दशा अंतर दशा में कोई प्रॉब्लमेटिक ग्रह की अंतर प्रत्यंतर से हम गुजर रहे हो, तो ऐसे समय में प्रॉब्लम्स छोटे भाई बहनों के साथ आना बहुत पॉसिबल है। लेकिन साथ ही ये लोग जो हैं वो साफ बात करने में पसंद करते हैं, ये दूरदर्शिता होती है इन लोगों में, क्योंकि यहाँ का मंगल जो है वो एक जनरल की तरह काम करता है, और जो अपना है उसका किस तरह से बचाव करना है इन लोगों को भली भांति मालूम है। यदि इन्होंने किसी बात पर जिद कर ली, या इन्होंने किसी काम को करने का संकल्प ले लिया, तो फिर ये हमेशा अपने उस गोल को प्राप्त करते ही हैं, क्योंकि इतने दृढ़ संकल्पी ये लोग होते ही हैं। अब हम बात करते हैं तुला लग्न वालों, तो तुला लग्न वालों के लिए यदि मंगल तृतीय भाव में हो, तो वो सैजिटेरियस यानी धनु राशि में माने। यहाँ ये लोग घूमना बहुत पसंद करते हैं, अलग अलग
क्षेत्र में हम कहें या अलग अलग कल्चर्स के बारे में नॉलेज प्राप्त करना पसंद करते हैं, और फिर जो एक्सपीरियंस इनको मिलता है उससे वो बहुत सारी चीजें दूसरों को भी समझाते हैं, और उनकी उनका खुद का जीवन जो है वो बहुत बदल जाता है। साथ ही ये हमेशा सत्य का ही साथ देते हैं, ये झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते, और ये जो भी कहते हैं एक कन्विक्शन के साथ, एक जब आप इनकी बात सुनेंगे तो आप भी इनकी बात से कन्विंस्ड हो जाएंगे, ऐसी तरह से इस तरह से ये बात कहते हैं। अब हम वृश्चिक लग्न पर बात करते हैं, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल जो है यदि तृतीय भाव में हो तो वो उच्च का हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति किसी से नहीं डरते, और मेरे अनुसार ऐसे लोग जो है वो लड़ाई तो अच्छे से कर ही सकते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब ये काम करने उतरते हैं तो इनका कोई जोड़ नहीं, ये बहुत अच्छे से खट सकते हैं, और कभी कभी सामने वालों को भी इतना फोर्स कर सकते हैं कम काम करने के लिए या खटने के लिए कि वहां उनका उनके साथ मतभेद हो सकता है या लड़ाई हो सकती है। तो वहां पर उनको अपने को एम्प्लॉइज के साथ काम करने में या कलीग्स के साथ काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करते हैं धनु लग्न पर। धनु लग्न वालों के लिए यदि मंगल तृतीय भाव में तो वो कुंभ राशि में होता है। ऐसे लोग जो है वो साइंटिस्ट होते हैं, बहुत बार आप देखेंगे वो अन्य मनसक होते हैं, वो किसी से बात करते करते कुछ और सोचने लग जाते हैं, क्योंकि इनका जो दिमाग है वो किसी एक अलग लेवल पे चलता है, और आविष्कार करने में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग योगदान भी होता है। साथ ही ये अपनी पूरी ऊर्जा उस तृतीय भाव को यानी कि अपने सोच पर लगा देते हैं, जिसके कारण इनको देश काल पात्र का बहुत बार ज्ञान भी नहीं रहता। अब हम बात करते हैं मंगल तृतीय भाव में धनु लग्न वालों के लिए, सॉरी मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए तृतीय भाव में यानी मीन राशि में यदि मंगल हो तो ये व्यक्ति जो है वो दूसरों को के लिए काम करने में माहिर होते हैं। वो अपने घर बार को छोड़कर और जन सेवा में या हम कहें कि लोगों की आवभगत में अपना पूरा समय पूरा योगदान दे सकते हैं, और अपनी पूरी निष्ठा से काम करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो आप देखेंगे मार्शल आर्ट्स ये आदि बहुत सारे जो ऐसे आर्ट फॉर्म्स हैं, या हम कहें कहें कि डिफेंस फॉर्म्स है, उसमें भी बहुत अच्छा योगदान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले लग्न वालों के लिए। तो यदि कुंभ लग्न के लिए हम बात करें तो तृतीय भाव जो है वो आपका बनता है मेष। मेष इससे मैंने पहले भी बोला है कारको भाव नाशाय तो है, लेकिन ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, निडर होते हैं, जो करना है जब करना है हमेशा तैयार होते हैं, और इसके लिए उनको लोगों से वाहवाही भी प्राप्त होती है। फाइनली पाइसीस यानी मीन लग्न वालों के लिए जो मंगल तृतीय भाव में है यानी वृषभ राशि में है, तो व्यवसाय कैसे करना है, किस तरह से धन कमाना है और जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना, ये सारी चिंता सारा मन इनको आता है, ये करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकल रूप में लगाते हैं, जिसके कारण जीवन में वो बहुत धन भी कमाते हैं और यश भी सोसाइटी में अच्छा कमाते हैं। मैंने जब आपको स्त्री जातक के बारे में बताया था तो आप उस एग्जाम्पल को लीजिए और देखिए लीला सेठ का एग्जाम्पल। लीला सेठ जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट लेडी जज थी, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ऑब्वियसली जिस परिस्थिति से वो गुजरी और जिन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा, हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे विरोधाभास स्थितियों से गुजरी हैं वो, लेकिन फिर भी वो अपने गोल पे अडिग रही, और एक दिन उन्होंने ये प्रूफ किया कि भाई लेडी हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैंने जो जो सोचा था जहां मुझे पहुंचना था वो मैं पहुंच कर ही रही। तो इतना स्ट्रांग अपने मन को बनाना और साथ ही इतनी स्ट्रांग इच्छाएं, प्रबल इच्छाएं होना जिनको पूरा कर सकना, ये इनकी मंगल ने इनको साथ दिया। यदि हम नक्षत्र देखना चाहें तो वो पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र का मंगल उनको पढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए
और एक अच्छा लॉयर कूटनीतिज्ञ होने की भी क्षमता देता है। यदि हम सीवी रमन का चाहते हैं तो उनका जो मंगल है वो धनु राशि में तृतीय भाव में बैठा है। मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा जो मंगल है वो झूठ बोलने में विश्वास नहीं करता, अपनी जो खोज है या अपना जो अनुभव है उससे ये बहुत सारी चीजें समझता है, करता है और फिर दूसरों के आगे रखता है। तो हम ये सीवी रमन के बारे में जानते हैं कि जीवन में उन्होंने यही किया जिसके कारण वो बहुत लोगों द्वारा पुरस्कृत भी हुए और जीवन में उन्होंने मान सम्मान कमाया। अब आप देखें कि इनका मंगल जो है वो चंद्रमा के साथ है और दोनों ही पूर्व अषाढ़ नक्षत्र में। पूर्व अषाढ़ नक्षत्र थोड़ा क्रूर है, अर्थात कि वो व्यक्ति को अग्रेसिव बनाता है, लेकिन साथ ही वो सरस्वती जी का भी नक्षत्र है, जहाँ कि वो सरस्वती ज्ञान की देवी है और जो ज्ञान आपके अंदर छल छल करके दिखाई देता है, और उसी के कारण उनको जीवन में इतना ज्ञान भी प्राप्त हुआ या उन्होंने उसकी खोज करी और उन्हें जीवन में मान सम्मान। जरूर लिख कर बताएं, देखें पहले कि आपके चार्ट में, आपके आसपास जो लोग हैं उनके चार्ट में ये मंगल तृतीय भाव में है क्या, और है तो कौन सी राशि में है और क्या फल दे रहा है। नक्षत्रों पर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।